तो दो फोन्स आप यहाँ पे देख रहे हो, दोनों ही फोन्स यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फोन्स हैं एंड्रॉयड की दुनिया में। इंडिया में जो फ़ोन यहाँ पे लॉन्च हुए हैं दोनों में से यहाँ पे, तो दोनों फोन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। पावरफुल मैं किस बेसिस पे कह रहा हूँ, क्योंकि ये दो फोन यहाँ पे आते हैं स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 से। एक फ़ोन है यहाँ पे हमारे पास iQOO 9 Pro और दूसरा फ़ोन है यहाँ पे मोटो की तरफ से आने वाला मोटो Edge 30 Pro। तो दोनों ही फ़ोन यहाँ पे एक दूसरे को प्रॉपर यहाँ पे टक्कर देने के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 आपको पता ही कितना पावरफुल यहाँ पे प्रोसेसर हो जाता है क्वालकॉम की तरफ से, तो इसलिए इनका यहाँ पे कंपैरिजन और स्पीड टेस्ट यहाँ पे करना तो बनता ही था। वीडियो यहाँ पे थोड़ी सी डिले हो गई है, इनकी वीडियो मुझे काफ़ी देर पहले दे देनी चाहिए थी लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन यहाँ पे वीडियो आपके सामने यहाँ पे आ रही है। तो दोनों का एक बार प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, तभी स्पीड टेस्ट यहाँ पे देखने मज़ा आएगा। iQOO 9 Pro आपको 65,000 का यहाँ पे नया फ़ोन देखने को मिलता है डिस्काउंट लगाने के बाद 59,000 का, और मोटो का ये डिवाइस है ये 50,000 का फ़ोन है और 45,000 का देखने को मिल जाता है आफ्टर SBI कार्ड का यहाँ पे डिस्काउंट। तो दोनों ही फोन में अगर यहाँ पे डिफरेंस की बात करूँ तो यहाँ पे 14,000 का डिफरेंस देखने को मिल जाता है, ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। देखते हैं यहाँ पे स्पीड टेस्ट में कौन यहाँ पे विन करता है हमारे स्पीड टेस्ट में। तो जल्दी शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। तो मेरा नाम है लवी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल PTG अनबॉक्स। तो शुरू करते हैं अपने बूट टेस्ट के साथ। तो बूट टेस्ट में देखते हैं यहाँ पे कौन सी डिवाइस ज़्यादा जल्दी बूट करती है। बूट टेस्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आप पावर बटन की यहाँ पे पोजीशन देख लीजिए। पावर बटन की पोजीशन बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ऊपर दी गई है, यहाँ पे थंब को बहुत ऊपर लेके जाना पड़ता है तब जाके यहाँ पे पावर ऑन कर सकते हो। तो ये एक नेगेटिव है यहाँ पे मोटो S30 का। तो मैं स्पीड टेस्ट की वीडियो में इसको बता रहा हूँ, ये चीज़ यहाँ पे ऑफ टॉपिक है लेकिन यहाँ पे बताना बनता है, क्योंकि मैं अभी इसी बटन को दबाने के बाद पावर ऑन या ऑफ़ करता हूँ तो वो दिक्कत आती है फ़ोन में। तो करते हैं यहाँ पे बूट टेस्ट। तो यहाँ पे मोटो Edge 30 Pro बड़े इजीली विन कर गया है, 1.5 सेकंड का यहाँ पे फ़र्क था। उसके बाद यहाँ पे iQOO 9 Pro यहाँ पे लॉग ऑन हुआ है। तो इनको यहाँ पे अभी एक बार ऑन करते हैं और फिंगरप्रिंट का यहाँ पे टेस्ट करते हैं। तो बूट टेस्ट के बाद हम यहाँ पे करने वाले हैं फिंगरप्रिंट का टेस्ट। तो देखते हैं दोनों में से कौन सा डिवाइस यहाँ पे ज़्यादा जल्दी यहाँ पे अनलॉक करता है। iQOO 9 Pro में हमें देखने को मिलता है एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर, आप देख सकते हो इसका एरिया कितना बड़ा है, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर। वहीं यहाँ पे मोटो S30 Pro में मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे AMOLED डिस्प्ले, OLED डिस्प्ले होने के बावजूद भी इसमें आपको देखने को मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। मुझे यहाँ पे पर्सनली साइड माउंटेड अच्छे लगते हैं एज़ कम्पेयर टू जो कन्वेंशनल आते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको यूज़ करने के बाद मुझे यहाँ पे किसी और से यहाँ पे प्यार था वो सारा ख़त्म हो चुका है, इसी पे आ गया है। तो देखते हैं यहाँ पे टेस्ट करके कौन पहले यहाँ पे जल्दी ऑन होता है। तो यहाँ पे डिफरेंस देखना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कौन सा डिवाइस यहाँ पे ज़्यादा तेज काम कर रहा है। तो iQOO वाला जो डिवाइस है वो थोड़ा सा स्लाइटली सा यहाँ पे कुछ मिली सेकेंड के डिफरेंस के साथ थोड़ा सा जल्दी ओपन होता है। तो ये यहाँ पे अपनी दावेदारी पेश कर रहा है अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो ये चीज़ यहाँ पे अच्छी हो जाती है। लेकिन मैं इसको यहाँ पे बिल्कुल ये नहीं बोलूँगा कि यहाँ पे iQOO 9 Pro जीत गया है, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। तो इसको मैं यहाँ पे टाई बोलूँगा, यानी कि जो मोटो S30 Pro का साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है वो भी बहुत ही तगड़ा काम करता है। तो दोनों ही मेरी नज़र में बिल्कुल बराबर काम करते। तो अब हम यहाँ पे करने वाले हैं ऐप ओपनिंग का टेस्ट। दोनों ही डिवाइस में यहाँ पे सेम टाइप की ऐप्स है, पहली 3 ऐप यहाँ पे आपको सिस्टम की ऐप देखने को मिल जाएंगी, उसके बाद यहाँ पे आपको मल्टीमीडिया वाली ऐप देखने को मिल जाएंगी, देन शॉपिंग वाली ऐप्स है, देन उसके बाद कुछ ब्राउजिंग वाली ऐप्स, और उसके बाद यहाँ पे गेमिंग वाली ऐप्स और काइन मास्टर यहाँ पे। तो ये ऐसा कुछ यहाँ पे सेटअप किया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे कैमरा वाली ऐप को ओपन करते हैं। तो दोनों में यहाँ पे बिल्कुल बराबर यहाँ पे ओपन हुआ है। अब दोनों को यहाँ पे फ्रंट कैमरा में स्विच कर देते हैं और इसको छोड़ देते हैं। आगे यहाँ पे मोटो वाले डिवाइस में आपको एल्बम वगैरह देखने को नहीं मिलती, गैलरी नहीं देखने को मिलती, तो गूगल फोटोज़ यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो देखते हैं कौन सा डिवाइस यहाँ पे ज़्यादा जल्दी ओपन करता है। तो iQOO 9 Pro यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से ओपन कर पाया है, जल्दी से ओपन कर पाया है।
तो दोनों में ही यहाँ पे हम एक फ़ोटो को ओपन करके छोड़ देते हैं। आगे कैलकुलेटर वाली ऐप को ओपन करते हैं, तो दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर सा यहाँ पे स्पीड से काम किया है। तो इसमें हम यहाँ पे 81 टाइप करके छोड़ देते हैं, 8 Gen 1 करके छोड़ देते हैं दोनों ही यहाँ पे फोन्स में। तो अब हम यहाँ पे मल्टीमीडिया वाली ऐप्स को ओपन करते हैं, देखते हैं कौन सा डिवाइस यहाँ पे ज़्यादा जल्दी से ओपन कर पाता है। प्राइम वीडियो से स्टार्ट करते हैं, तो दोनों में यहाँ पे बहुत ही ब्लेजिंग फास्ट सेम टाइम के ऊपर ऐप ओपन हुई है प्राइम वीडियो की। तो अब हम यहाँ पे अमेज़न म्यूज़िक को ऑन करते हैं, तो मोटो वाला डिवाइस यहाँ पे विन करता है। यूट्यूब को ऑन करते हैं, पहले यहाँ पे मोटो वाला डिवाइस, दोनों को यहाँ पे वीडियो को ओपन करके छोड़ देते हैं। आगे हम YT म्यूज़िक को ओपन करते हैं, तो पहले आईक्यू वाला डिवाइस यहाँ पे, तो अब हम यहाँ पे हॉटस्टार को ओपन करते हैं। तो पहले यहाँ पे आईक्यू वाला डिवाइस ऑन हुआ है, आगे हम फ्लिपकार्ट को ओपन करते हैं, यहाँ पे मोटो का डिवाइस ज़्यादा जल्दी से काम कर पाया है। अभी हम एक यहाँ पे पेज को ओपन करके छोड़ देते हैं। तो दोनों डिवाइसेस में हम यहाँ पे एक सिमिलर सा पेज ओपन करते हैं Realme GT 2 Pro का, इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। आगे Amazon की ऐप ओपन करते हैं, पहले यहाँ पे मोटो ने ऑन किया है, दोनों में हम यहाँ पे सिमिलर सा एक पेज खोल देते हैं, IQ 980 का पेज खोल के यहाँ पे छोड़ देते हैं। आगे यहाँ पे क्रोम को ओपन करते हैं, तो दोनों ही फोन में हम Motorola.com को खोल के देखते हैं एक बार। तो मोटो की साइट पहले मोटो वाले डिवाइस में ओपन हुई है, इसके ऊपर हम यहाँ पे नो मोर वाले पेज के ऊपर चले जाते हैं एक बार। और इस पेज को यहाँ पे छोड़ देते हैं। इंस्टाग्राम को ओपन करते हैं, पहले यहाँ पे आईको वाले डिवाइस में ऑन हुआ है, दोनों में यहाँ पे सेम फोटो आप देख सकते हो, इसके ऊपर आके हम छोड़ देते हैं इसको। आगे हम गेम्स की बारी आ जाती है, गेम्स को ओपन करके देखते हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी को ओपन करते हैं दोनों डिवाइसेस में। तो पहले आईक्यू ने यहां पे ऑन कर दिया है गेम को, और मोटो ने यहाँ पे कुछ 10 सेकंड ज़्यादा लिए हैं, इनको यहाँ पे छोड़ देते हैं ऑन करके एक बार। आगे हम यहाँ पे BGMA को ऑन करते हैं, तो BGMA बहुत जल्दी यहाँ पे ऑन कर दिया है मोटो ने, कॉल ऑफ ड्यूटी में पीछे रह गया था, लेकिन अभी BGMA लीड लेके जा चुका है। तो टेम्पर रन को अब ओपन करते हैं एक बार, तो पहले यहाँ पे मोटो वाला डिवाइस जल्दी ऑन कर पाया है इस गेम को। तो दोनों डिवाइस में इसको प्ले करके एक बार छोड़ देते हैं। आगे काइन मास्टर की रेंडरिंग करते हैं, उसके बाद देखते हैं रैम मैनेजमेंट के टेस्ट को। तो काइन मास्टर में हमने एक सेम फुटेज यहाँ पे उठा ली है, जैसे मैं अपनी नॉर्मल वीडियो में यहाँ पे उठाता हूँ काइन मास्टर की रेंडरिंग के टाइम के ऊपर। दोनों ही डिवाइसेज में हम इसको फुल बिटरेट के ऊपर यहाँ पे रेंडर करेंगे, और 1080 के ऊपर यहाँ पे रेंडर करेंगे, और 30 FPS के ऊपर। दोनों में यहाँ पे सेम सेटिंग के ऊपर रेंडर कर देता हूँ, और साइज जो निकल के आ रहा है दोनों में यहाँ पे 1707 MB निकल के आ रहा है, कोई साइज में फर्क नहीं है। दोनों को यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं सेम टाइम के ऊपर। तो 2 सेकंड का यहाँ पे डिफरेंस था, पहले IQ 9 Pro यहाँ पे रेंडर कर पाया है, तो ये चीज काफी अच्छी है। IQ यहाँ पे शो कर रहा है कि मैं आपसे तेज क्यों हूँ, क्योंकि मैं IQ वाला ब्रांड हूँ। तो आईक्यू वाले यहाँ पे परफॉर्मेंस थोड़ी सी यहाँ पे एज लेके जाते हैं, वो यहाँ पे थोड़ा सा शो होता है। मोटो वाले डिवाइस में ये नहीं मानूंगा कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे परफॉर्मेंस डाउन कर रहा है, नेक टू नेक इसको कंपटीशन दे रहा है। 14-15 हज़ार पैसा कम होने के बाद भी यहाँ पे ये इसको कंपटीशन पूरा प्रॉपर दे रहा है। तो स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 वाले तो दोनों फ़ोन्स हैं, दोनों ही एक दूसरे को पूरी टक्कर देते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। अब यहाँ पे हम रैम मैनेजमेंट टेस्ट को यहाँ पे रन करते हैं एक बार,
देखते हैं कौन कौन सी ऐप सिस्टम में अभी भी अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले कैमरा वाली ऐप को ओपन करते हैं। हमने फ्रंट कैमरा ऑन कर दिया था, तो आईक्यू 9 प्रो में आपको देखने को मिलता है फ्रंट कैमरा। इसने यहाँ पे उसको सिस्टम वाली ऐप को भी रैम में से उड़ा दिया है। तो एल्बम को ओपन करते हैं एक बार, तो दोनों ही डिवाइस में यहाँ पे सेम फोटो जो हमने खोली थी वो यहाँ पे शो कर रहा है। कैलकुलेटर को ओपन कर लेते हैं एक बार, 81 यहाँ पे हमने छोटा सा लिख के वो 81 यहाँ पे लिखा हुआ है। प्राइम वीडियो देखते हैं खोल के एक बार, तो दोनों डिवाइस में यहाँ पे रैम में अवेलेबल हैं। अमेज़ॉन म्यूज़िक दोनों में यहाँ पे रीलोड हो गया है। YouTube हमने एक वीडियो प्ले की थी दोनों डिवाइसेस में, तो दोनों डिवाइस में यहाँ पे रीलोड हो गया है। YT म्यूज़िक दोनों डिवाइस में यहाँ पे रीलोड हो गया है। हॉटस्टार दोनों में यहाँ पे अवेलेबल है। Flipkart को देखते हैं, एक पेज हमने ओपन किया था Realme GT वाला, बिल्कुल सही है, वो यहाँ पे अवेलेबल है। Amazon में हमने IQ 9SE का पेज ओपन किया था दोनों डिवाइसेस में, दोनों में रीलोड हो गया है। यहाँ पे Motorola वाली साइट खोली थी एक हमने, मोटो ने अपनी साइट को यहाँ पे रखा है, लेकिन वो आप देख सकते हो दोबारा फिर से एक बार रीलोड हुई है। तो यानी कि दोनों ने पेज को रीलोड किया है, इसने पहले कर दिया, इसने बाद में कर दिया, लेकिन यहाँ पे रीलोड ज़रूर हुआ है पेज। इंस्टाग्राम को खोलते हैं, तो दोनों में इंस्टाग्राम भी मुझे रीलोड होती हुई दिख रही है। कॉल ड्यूटी के ऊपर क्लिक करते हैं, तो दोनों ने यहाँ पे एम ए से उड़ा दिया है। BGMA को देख लेते हैं एक बार, तो BGMA भी यहाँ पे दोनों में रैम में से उड़ गई हैं। टेम्पर रन की तरफ जाते हैं, तो टेम्पर रन भी यहाँ पे रैम में अवेलेबल नहीं है। तो ये तो था यहाँ पे रैम मैनेजमेंट टेस्ट। तो अगर ऐप ओपनिंग की बात करता हूँ, तो ऐप ओपनिंग में आपने देखा ही है कि कौन मुझे 50-50 काम होता हुआ दिखा है। अगर आपको लगा है कि IQ 9 Pro ज़्यादा अच्छे से ऐप ओपनिंग कर पाया है, ज़्यादा ऐप को उसने पहले ओपन किया है, तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और कितनी ऐप्स उसने पहले ओपन किए हैं वो भी मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखें। रैम मैनेजमेंट टेस्ट में हम मैं ये बोलूँगा कि दोनों डिवाइस यहाँ पे बिल्कुल बराबर हैं। रैम मैनेजमेंट दोनों डिवाइस का बहुत वाहियात है, कोई ज़्यादा अच्छा यहाँ पे रैम मैनेजमेंट नहीं है। तो रैम मैनेजमेंट के मामले में भी दोनों डिवाइस यहाँ पे सेम काम करता हुए दिखते हैं। रेंडरिंग आपने देख ही लिया, रेंडरिंग में IQ 9 Pro जीत गया है। और अगर मैं फिंगरप्रिंट की बात करता हूँ, तब भी यहाँ पे नेक टू नेक बराबर था, लेकिन हल्का सा एज लेके गया था IQ 9 Pro। बूट टेस्ट में यहाँ पे मोटो वाला डिवाइस यहाँ पे विन करता हुआ दिखता है। तो मैंने सारा आपको यहाँ पे कंपैरिजन वगैरह यहाँ पे स्पीड टेस्ट दिखा दिया है। मुझे लगता है कि ये इनफ होगा आज की वीडियो के लिए। आपने यहाँ पे जो चीज़ देखनी थी वो आप देख चुके हो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं जल्दी ही आपके लिए और एक कंपैरिजन वीडियोस भी लेके आऊँगा। ये यहाँ पे स्पीड टेस्ट की वीडियो के साथ साथ कंपैरिजन वीडियो प्रॉपर फ़ोन की कंपैरिजन करेंगे, कौन सा फ़ोन किस मामले में ज़्यादा अच्छा है। अगर वो वीडियोस आप देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं एक ऐसी ही नई धमाकेदार वीडियो में।